जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षय प्लांट एंड प्लांटर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज जैसे मैं इधर देख रहा था प्लांट्स को, तो कुछ प्लांट्स में जो है एकदम से जैसे ग्रोथ कम है, रौनक कम है, और पौधे कहीं ना कहीं जो है मुरझाए मुरझाए से। और जैसे हेल्दी होते हैं अपने प्लांट, अपने जैसे बाकी हैं, छोटे सीडलिंग भी हैं और प्लांट भी, पर कुछ एक पौधे जो है स्थिति जो है ऐसी है कि जैसे इनके अंदर जो रौनक होनी चाहिए, जो पौधे में चमक होनी चाहिए, जो ग्रोथ के साइन दिखने चाहिए, वो नहीं है, और पौधा कहीं ना कहीं बीमार सा नजर आ रहा है। तो ये एक दो में नहीं, कुछ एक पौधों में ही है ये समस्या। जैसे आप देख रहे होंगे ये वाला है, एक ये वाला भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये लगभग जो है ये 5-6 महीने हो गए इनको, ये पिछले सीजन में अपन ने रिपोर्ट किए थे, इस साल इनको रिपोर्ट अपन ने नहीं किया है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा मेरे को कंसर्न हुआ कि क्यों ना, क्या इनमें समस्या हो सकती है, एक तो वो हम ट्रीट करें और दूसरा आप लोगों के साथ डिस्कस भी करें कि अगर आपके भी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी जो है रौनक नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बहुत पत्तियों में चमक नहीं है, और जैसा एक हेल्दी प्लांट होता अगर वैसा लुक अगर पौधे में नहीं आ रहा है तो क्या करना है। तो दोस्तों इसके 2-3 कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे पुराना मीडिया हो गया, काफी दिन से जो है पौधा अपना लगा हुआ हो और मीडिया पुराना हो गया और न्यूट्रिशन की कमी हो, तो उसकी वजह से जो है मेनली पौधा इस तरीके से आता है लुक में। और इसके अलावा जो है एक समस्या क्या होती है कि ऊपर की जो मिट्टी है अगर ये हार्ड हो जाती है तो जो रूट जोन है वहां तक जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए और पानी जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है, क्योंकि गमले छोटे हैं तो इसकी कैपेसिटी भी इतनी है कि एक उंगल ऊपर जगह है, एक उंगली के जितनी इतनी, तो इतना ही जो इसमें पानी जाता है वो जो जड़ों तक पहुंचना चाहिए। एक्चुअल में जड़ें ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ऊपर सरफेस पे ही होती हैं, जड़ें जो है नीचे तक होती हैं पॉट में, तो वहां तक पानी नहीं पहुंचता, वहां तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है कि हमको जड़ें भी देखनी चाहिए, जैसे इसकी मैंने अभी नहीं देखी, अपन देख सकते हैं कि अभी तो जड़ें जो है गमले के नीचे से बाहर नहीं आई है। कई बार काफी दिन का लगा हुआ पौधा होता है तो उसमें जो है जड़ें नीचे से आने लगती हैं और वो भी कई बार जो है रॉट का कारण हो जाता है। तो इस तरीके के पौधों को अपने क्या करना है, तो जैसे हमने देख लिया कि जड़ें तो नहीं निकली है नीचे से, तो मतलब अपने को ज्यादा इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्टिंग की नीड नहीं है मेनली। तो अपने को जैसे काफी बार मैंने बताया है पहले, ऊपर की मिट्टी को अपने को नर्म कर देना है, क्योंकि ऊपर की मिट्टी जो है हार्ड हो जाती है, हार्ड होकर के और जम जाती है, जिसकी वजह से जो है तो मिट्टी को अपने को नर्म कर लेना है। और नर्म करने के बाद जो है आपके पास जो भी अवेलेबल हो, अगर एनपीके 19:19:19 है तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका घोल डालें, वो नहीं है तो 5 दाने डीएपी की डाल करके अपने को पौधों को पानी पिला देना है। मगर अगर पौधा ग्रोथ नहीं शो कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कोई डिजीज नजर आ रही है, तो अपने को जो है ये ट्रीटमेंट जरूर कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अक्षय प्लांट एंड प्लांटर्स आपका अपना चैनल है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।